राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। धनतेरस की बिल्कुल सरल तरीके से पूजा विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह आप हल्दी से ज़रूर लीप लें, क्योंकि हल्दी से लीपने से वो जगह जो है ना बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। इसके बाद मैंने पट्टा बिछाया है, पट्टे के ऊपर लाल कलर का इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है। और धनतेरस की पूजा में जो है ना कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। तो इस तरह का कैलेंडर आपको मार्केट में मिल जाएगा जिसमें यंत्र भी होता है और भगवान कुबेर भी होते हैं। तो इस तरह के यंत्र को जो है ना आप दीवार पे जो है ना इस तरह से लगा लें। इसके बाद जो है ना चौकी पर मैंने चावलों का आसन दिया है। एक तरफ जो है ना मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और दूसरी तरफ जो है ना माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब सबसे पहले हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर जो है ना भगवान कुबेर और गौरी गणेश का जो है ना हम मन में ध्यान करेंगे। इसके बाद जो है ना इस तरह से आप थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। बहुत सरल तरीका बता रही हूँ, आप संपूर्ण पूजा विधि देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह से तिलक करना है आपको। को भगवान कुबेर को चंदन का टीका करें, माता लक्ष्मी को रोली का टीका, गणेश जी को चंदन का टीका। उसके बाद जो है ना कलावर रूपी इस तरह से मैं वस्त्र अर्पित कर दूँगी। इसके बाद जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है भगवान कुबेर को और गणेश जी पर जो है ना आप जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद आप फूल चढ़ा दें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो लाल कलर का कोई भी गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिया है, माला है तो आप माला पहना दें। इसके बाद जो है ना आज के दिन अपने घर की तिजोरी का पूजन किया जाता है। अगर सामान आप बाहर इस चौकी पर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, नहीं तो अपनी तिजोरी के ऊपर भी आप स्वास्तिक बना दें, गोली चावल से वहाँ पर पूजन कर दे और वहाँ पर जाकर ना धूप दीप दिखा दे। दीप को उस तिजोरी के अंदर ना रखे ज़्यादा देर तक, जब तक आप खड़े हो जब तक ही रखें, उसके बाद वहाँ से दीपक उठाकर पुनः आप चौकी पर रख दें। अगर आप उठा के ला सकते हैं तो सारे सामान को इस तरह से स्वास्तिक बनाकर रोली चावल से जो है ना इस तरह से पूजा कर दें। आज के दिन धन की पूजा ज़रूर की जाती है। त्रयोदशी पर धन खरीदा जाता है, तो बहुत सारे लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोना चांदी खरीदते हैं। तो आपने जो भी लेकर आए हैं, जो भी आपका मन था उसे लेकर आए हैं, तो उस पर सबसे पहले स्वास्तिक बना दें। अगर आप कोई बर्तन लेकर आए हैं तो उस पर कलावा बांध लें और उसके अंदर कुछ मिठाई आप ज़रूर रखें। खाली बर्तन पूजा में नहीं रखा जाता, तो मैंने इसके अंदर जो है ना बतासा रख दिया है, ऊपर कलावा बांध दिया है। इसके बाद मीठे का भोग लगा दें, यानी मिठाई का भोग लगा दें। घर में कुछ ना कुछ भगवान के भोग के लिए आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि साल भर का त्यौहार है तो घर में अगर बनाएंगे तो भगवान को भी बहुत खुशी होती है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने पान के पत्ते के ऊपर बतासा, लौंग, इलायची और फल रखकर माता लक्ष्मी को भोग लगा दिया है। धनतेरस के दिन जो है ना धनिया ज़रूर खरीदा जाता है, तो इस पूजा में आप थोड़ा सा धनिया भगवान पर अर्पित ज़रूर करें, खील बतासे चढ़ा दें। और आज के दिन जो है ना झाड़ू का पूजन ज़रूर किया जाता है। झाड़ू आज के दिन आप ज़रूर खरीद के लेकर आएँ, भले ही एक झाड़ू लेकर आएँ लेकिन आपको झाड़ू ज़रूर लेकर आनी है। यहाँ पर टोली चावल से जो है ना मैंने झाड़ू का पूजन कर दिया है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का दीपक जलाया जाता है, तो यहाँ पर मैं हाथ से जो है ना चार बातियाँ बनाऊँगी, लंबी लंबी इस तरह से, हो सके तो इन बातियों को अपने हाथ से बनाएँ, क्योंकि बाती बनाने का भी अपना पुण्य होता है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है या बहुत ज़्यादा काम है दिवाली की वजह से, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, वैसे इसका पुण्य होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। चार बातियाँ आपको बनाना है। बड़ा आपको दीपक लेना है, सरसों का तेल का या तिली के तेल का या घी का जो है ना कुबेर का दीपक जलाया जाता है, जैसे जिसकी वो हो जाए, मतलब व्यवस्था हो जाए उस हिसाब से जो है ना कुबेर का दीपक आप जला सकते हैं। वैसे तो घी का जलाना चाहिए, लेकिन अब देखिए किसी के पास नहीं होगी तो वो तो जला ही नहीं पाएगा, इसलिए आप सरसों के तेल का या तिली के तेल, तिली का तेल तो बहुत महंगा है आजकल, मिलती ही नहीं है तिली, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा जैसी आपकी व्यवस्था हो जाए। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर गुलाल, सिंदूर, अपरक जो है ना इस तरह से मैं अर्पित कर दूंगी। इसके बाद करनी है आपको आरती। और धनतेरस की पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा है। मुहूर्त क्या है पूजा का ये आपको जो है ना थोड़ी देर से मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, पंडित जी से पूछ कर कि शुभ मुहूर्त क्या है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी की आरती करनी है। अगर कुबेर जी की आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको जल का इस तरह से अर्घ देना है। धनतेरस के दिन आटे के 13 दीपक जलाए जाते हैं, तो आज तो मैंने आटे के दीपक नहीं बनाए हैं, तो आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंथ लें और छोटे छोटे से 13
दीपक बना लें और उन बातें उनमें जो है ना छोटी छोटी सी बातियाँ लगाकर उन दीपकों को अपने घर के सभी स्थानों पर जो है ना लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना धनतेरस की पूजा की जाती है। आज के दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है। यम का दीपक कैसे लगाया जाता है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप साल भर में एक बार अगर यम का दीपक लगाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती, जिनका हमारे मन में थोड़ा सा डर लगा रहता है ना, उस संबंधित कोई डर जो है ना हमारे मन से जो है ना हट जाता है और यम देवता की कृपा जो है ना हम सब पर होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।